जैसा कि वो मुरली में एक वो पंप टूटा है या जॉइंट टूटा है, उस जॉइंट को लगाने के लिए उनके पास बजट नहीं है। तो पानी तो आज ये पानी की बोतल यहाँ पड़ेगी या नहीं होगी, तो पानी पिएंगे तो 3 घंटे बाद तो आपको प्यास लगेगी ना। तो जहाँ जहाँ पानी 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 हो रहा है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट कि एक तो इस पाइपलाइन की स्वीकृति के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनसे करवाएं, 3 किलोमीटर है ज्यादा दूर। एक मिनट हाँ, पहले तो मैं बहन ये कहूँगा कि मेरे यहाँ कहाँ पाइपलाइन है, कहाँ पाइपलाइन से पानी आ रहा है, पहले यहाँ ये बताइए। नो 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 नो, आपके पानी कहाँ से आ रहा है? मैं पानी टैंकर से आ रहा है 9 साल से आपके पास। एक बताइए, एक मिनट, आप नहीं, आपका पर्सनल कनेक्शन है, पर्सनल कनेक्शन है, आप चेक करवा लीजिए इनके फार्म हाउस में कनेक्शन नहीं। प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, आज कमेटी बनाकर बैठिए, पहले बैठिए आप कमेटी बनाकर, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं चले जाऊंगा। सीओ साहब, एक मिनट दर्पण जी, पहले मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ समर्थ राम जी प्रधान, कपूर साहब, प्रमुख साहब, सीओ साहब और एडीएम साहब और एसपी साहब और पेयजल के एससी एक्शन 11 आदमी या 20 आदमी की टोली जाके मेरे फार्म हाउस पे अगर कोई जगह पानी पाइपलाइन से अगर आता हो तो मैं राजनीति से संन्यास नहीं, इस्तीफा देने के लिए एमएलए के लिए तैयार हूँ। पर मुझे एक बताइए, पहले तो आप एक कमेटी बनाकर अभी जाइए, मेरे यहाँ टैंकर से 9 साल से पानी आ रहा है, एक भी पेयजल से कोई जगह से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जहाँ ट्यूबवेल है वहां से दूसरे कुओं में पानी जा रहा है, वो भी बंद हुए हुए 7 साल हुआ है, वहां भी वो भी पानी, कोई जगह पानी नहीं है, मेरे टैंकर से पानी आता है। आपको बात करते हुए और मैं क्या कहूँ आपको, बैन के नाते मैं आपको कह नहीं सकता। अरे आप छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ कमेटी बनाकर अभी देखे, और मैं यहाँ बैठा हूँ दूसरों को भेज कर आपको आरोप लगाना है। काय का मामला है यार, देवा राम जी इस तरीके से आपसे बात करेंगे क्या? मैं आपको आने के लिए किसी को भेज कर अभी मालूम करावे और उसके बाद में मीटिंग का काम चालू करें। पहले जाओ आपके दिन को पानी का मुद्दा चल रहा है, पानी जान का ट्यूबवेल फूटा है उस फार्म हाउस में जहाँ उसमें पानी आता है, विद्युत कनेक्शन है, तो उनको पानी की लाइन की कहाँ जरूरत है? एक और सर, आप एमएलए साहब ने ये कह दिया आप कमेटी बना के जांच करा लो, जिसमें आप ही मेंबर रहना, और उसके व्यक्तिगत आप आक्षेप नहीं लगा सकते।